बात करेंगे आज फिर से हम लोग सरसों के बारे में, सरसों भाव के बारे में जानेंगे आज क्या कुछ भाव रहा सरसों का। हालांकि दोस्तों सरसों के बारे में आपको बता दूं, पिछले दो दिनों से सरसों में लगातार 100 या 200 का तेजी देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे करके सरसों के भाव में सुधार फाइनली देखने को मिल रहा है। इसका कारण दोस्तों यह भी हो सकता है क्योंकि धीरे धीरे करके मंडी में शून्य के बराबर सरसों की आवक हो गई, जिसके कारण बड़ी बड़ी कंपनियाँ को तो तेल बेचना ही पड़ेगा। चाहे आपको सरसों मिले या ना मिले तो उन कंपनियों को दोस्तों सरसों तो खरीदना ही पड़ेगा, चाहे वे सस्ता खरीदे चाहे महंगा खरीदे। तो सरसों का जो मात्रा है शून्य होने के कारण जो मंडी में आवक भी कम हो गया। हालांकि नई सरसों आने में जैसा कि मैंने बताया 1.5 से 2 महीना का भी लेट है, इंतज़ार है 1.5 से 2 महीने का। तब तक दोस्तों मंडी को अपना ब्रांड बचाने के लिए, अपना तेल बेचने के लिए उनको सरसों लेना पड़े। इसलिए दोस्तों धीरे धीरे करके 100 या 200 का तेजी सरसों में देखने को मिल रहा है आज से कल तक का भाव में। आज भी कुछ तेजी रहा, कल भी 100 से 200 का तेजी देखने को मिला राजस्थान की जयपुर भरतपुर मंडी में। और दोस्तों जैसे ही नई सरसों आएगी उसके बाद सरसों का भाव और बढ़ने की संभावना है, अभी कहना मुश्किल होगा क्या कुछ आगे होता है। चलिए इससे पहले मैं आपको आज का भाव बता देता हूं क्या कुछ आज भाव रहा। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में श्री गंगानगर राज मंडी की बात करें हम लोग, तो यहां पर दोस्तों आज जो भाव रहा सरसों का 6541 से 7000 रुपये क्विंटल तक, यहाँ पर आज 200 का तेजी रहा। नोहर राज मंडी की बात करें तो यहाँ पे सरसों का भाव 6500 रुपये क्विंटल से 6725 रुपये क्विंटल तक। बात करें अगर हम लोग राजसर अनाज मंडी की, तो राजसर अनाज मंडी में दोस्तों आज यहाँ पे जो ग्वार का भाव अभी चल रहा है गैस 5600 रुपये क्विंटल से 5950 रुपये क्विंटल तक। वहीं बात करें दोस्तों अगर सरसों की भाव की राजसर मंडी में 7740, यहाँ भी तेजी देखने को मिला। बात करें राजसर अनाज मंडी में अगर नरमा का भाव का, तो 9502 रुपये क्विंटल भाव रहा। अभी दोस्तों नरमा में काफ़ी ज़्यादा तेजी देखने को मिल रही है, आपके पास भी अगर कॉटन नरमा है तो आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बात करें संगरिया अनाज मंडी की, संगरिया कृषि मंडी की, तो यहाँ पे दोस्तों आज सरसों का न्यूनतम मूल्य रहा है 6560, अधिकतम मूल्य रहा है 6780 रुपये क्विंटल। बात करेगा रायसिंह नगर अनाज मंडी की, तो सरसों का आवक रहा है 150 क्विंटल। देखिए दोस्तों कितना ज़्यादा आवक कम हो गया, कभी इन मंडियों में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आवक हुआ करता था 500-600 क्विंटल। अब भाव रहा है दोस्तों 6427 से 6675 रुपये क्विंटल सरसों का। वहीं अगर बात करें हम लोग गोलू वाला मंडी की, तो यहाँ पर दोस्तों गोलू वाला मंडी में आज दोस्तों ग्वार का रेट रहा है 5660 से 5921 रुपये क्विंटल तक भाव रहा है। दोस्तों बात करें अगर हरियाणा अनाज मंडी की इलाहाबाद में, तो इलाहाबाद में सरसों का भाव रहा है 6400 रुपये क्विंटल से 6550 रुपये क्विंटल तक। मंडी आदमपुर की बात करें तो सरसों का भाव रहा है 6861 रुपये क्विंटल। जैसा कि सिरसा मंडी को मैंने अभी बताया, सरसों का भाव 6200 से लेकर 6550 सिरसा का भाव रहा। तो ये कुछ दोस्तों आज कुछ भाव रहा सरसों में, और सरसों में दोस्तों अच्छा तेजी देखने को मिल रहा है आज फिर तेजी। शाम को फिर से दोस्तों आज सरसों में 200 तेजी आने की संभावना है। आपका मंडी में भी सरसों का क्या भाव चल रहा है हमें आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, आप किस मंडी से बिलोंग करते हैं, ताकि मैं शाम वाली वीडियो में एक रिपोर्ट वीडियो बना सकूं आपसे रिलेटेड। तो आशा करूंगा वीडियो आपको पसंद आएगी, अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि सरसों का पल पल का अपडेट आपको इस यूट्यूब चैनल में मिलता रहे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।